Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone. Today we are going to study चैप्टर नंबर 14 सब नेचुरल फिनोमिना कुछ प्राकृतिक गतिविधियाँ। फिनोमिना का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज़, हम इंसान जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम इंसान बोलते हैं, हम इंसान गाना गाते हैं, नाचते हैं, प्यार मोहब्बत पता नहीं क्या क्या करते हैं, यह हो कि इंसान द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़। समझिए, अब कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, जैसे तेज़ हवाओं का चलना, तूफान का आना, साइक्लोन्स चक्रवात का आना, भूकंप का आना, लाइटनिंग बिजलियों का कड़कना, ये सारी चीज़ें अपने आप में हो जाती हैं। इसीलिए हम इन एक्टिविटीज़ को एक नाम देते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़। ये नेचुरल एक्टिविटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर, क्योंकि ये सारी गतिविधियाँ जो हैं ये इंसान को केवल नुकसान ही पहुँचाती हैं। क्यों, भूकंप आने से नुकसान नहीं होता क्या? चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सेवन्थ में हमने तीन डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा है, स्टॉर्म्स, वेन, तेज़ हवाओं का चलना, साइक्लोन्स चक्रवात, ये सारे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है लाइटनिंग, दूसरा है अर्थक्वेक के बारे में। हम ये पढ़ेंगे कि ये बिजलियाँ क्यों कड़कती हैं, क्यों भूकंप आता है, और इनसे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। समझ गए? चलो हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट गोइंग। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर and there are many events or phenomena that take place in nature. Science एक study है nature का, प्रकृति का, जिसमें बहुत सारे events और phenomena गतिविधियाँ होती रहती हैं nature में। These phenomena are called natural phenomena. इन phenomena को हम natural phenomena कहते हैं। Some natural phenomena can cause mass destruction and loss of life. They are called natural disasters. कुछ प्राकृतिक गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं और जान हानि का भी लॉस करती हैं, उन्हें हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द नेचुरल फिनोमिना इन द गिवन पिक्चर्स? नीचे दिए गए पिक्चर्स में आप कौन सा नेचुरल फिनोमिना हो रहा है क्या आप पहचान सकते हैं? फर्स्ट पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर है लाइटनिंग की और सेकेंड पिक्चर है अर्थक्वेक की। It is important to learn about natural phenomena and more importantly about those that can cause destruction on a large scale. ये बहुत important है इन phenomena के बारे में पढ़ना, क्योंकि अगर हमें इनकी समझदारी होगी, हम इनके बारे में cause के बारे में जानेंगे, तो हम बच सकते हैं destruction से जो ये large scale पे करते हैं। If there is an understanding of this phenomena, one can take measures to prevent loss of life and property. अगर हमें इसकी समझ होगी ये फिनोमिना कैसे होते हैं, तो हम बहुत सारी सावधानियां ले सकते हैं ताकि हमारी जो लाइफ का जो लॉस होता है और प्रॉपर्टी का लॉस हो, उससे हम अपने आप को बचा सकें। इन क्लास सेवन्थ वी हैव लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सेवन्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि क्या कॉज है थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स का। We also learnt about the extents of destruction that can be caused by them and various preventive measures to be taken during the occurrence of these events. हमने ये पढ़ा कि ये destruction कितना होता है, कैसे cause होता है, और preventive measures क्या हैं इनके occurrence के बाद हमको क्या preventive measures लेने चाहिए। In this chapter, we will learn about two more natural disasters, lightning and earthquake. इस chapter में हम पढ़ेंगे दो और नेचुरल डिजास्टर के बारे में, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज
Have you ever noticed the crackling noise that is heard when one removes synthetic clothes during winter? क्या आपने क्रैकलिंग नॉइज सुनी है जब एक इंसान अपने सिंथेटिक कपड़े विंटर में निकालता है? Have you ever received a small electric shock upon touching a metallic door knob? क्या कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जब अपने मेटेलिक डोर के नॉब को पकड़ा है तब? The reason for these phenomena is the generation of electric charge. इन सब का रीज़न यही है इन फिनोमिना में कि इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको जब मेटेलिक डोर को छूते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और जब आप सिंथेटिक कपड़ों को ठंडियों में उतारते हैं तो फिर आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है. लेट अस लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हाउ आर दे जनरेटेड विद द फॉलोइंग एक्टिविटी. चलो हम इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझेंगे और ये कैसे जनरेट होते हैं इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे. लेट्स ट्राई. एम टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एम क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डेमोन्स्ट्रेट करना. मटेरियल्स रिक्वायर्ड प्लास्टिक कॉम एंड बिट्स ऑफ पेपर. सो मटेरियल्स जो चाहिए वो होगा एक प्लास्टिक कॉम और बिट्स ऑफ पेपर. प्रोसीजर नंबर वन, रब द प्लास्टिक कॉम विद द ड्राई हेयर. प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर से रब करेंगे. नंबर टू, ब्रिंग द कॉम नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कॉम को हम बिट्स ऑफ पेपर के पास में लेके आएंगे और क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम. जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम की तरफ. कंक्लूशन, When the comb is rubbed with the hair, it becomes electrically charged. The charged comb now attracts the bits of paper. Conclusion क्या है इसका कि जब हम comb को rub करते हैं hair से तो electrically charged हो जाता है. फिर ये charge क्या करते हैं जो comb के attract करते हैं bits of paper को. तो हमने इसमें समझा कि electric charges क्या होते हैं और ये generate कैसे होते हैं. Types of electric charges. Let us perform one more activity to study how many types of charges are there in the nature. Types of charges के बारे में पढ़ेंगे और इस एक और एक्टिविटी समझेंगे कि कितने चार्जेस होते हैं नेचर में. Let's try. Aim to determine the different types of charges. हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि कितने types के charges होते हैं. Material required, two balloons and two plastic scales. जो material चाहिए वो है दो balloon और दो plastic scale. Procedure. Number one, inflate two balloons, hang them such that they are close but do not touch each other. दो balloons को फुलाएंगे और ऐसे hang करेंगे कि एक दूसरे से close हों पर एक दूसरे को touch नहीं करें. Rub both the balloons with a woolen cloth एंड रिलीज देम. दोनों बलून को हम क्या करेंगे? वुलन क्लोथ से रब करेंगे और उनको छोड़ देंगे. वॉट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? नंबर टू, टेक वन प्लास्टिक स्केल एंड रब इट विद द पॉलीथीन एंड प्लेस केयरफुली इन द ग्लास टम्बलर. एक प्लास्टिक स्केल लेंगे, उसे रब करेंगे पॉलीथीन से और उसे ग्लास टम्बलर में रख देंगे. रब द अदर स्केल एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू द फर्स्ट स्केल. दूसरे स्केल को भी रब करेंगे और उसको फर्स्ट स्केल के पास में लेके आएंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? नंबर थ्री, ब्रिंग द चार्ज प्लास्टिक स्केल क्लोजर टू द चार्ज बैलून. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नंबर थ्री में चार्ज प्लास्टिक स्केल को हम जो चार्ज बैलून है उसके पास में लेके आएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स. अ चार्ज बैलून रिपेल्स अनदर चार्ज बैलून. जो चार्ज बैलून है दूसरे चार्ज बैलून से दूर जाता है, रिपेल करता है. अ चार्ज प्लास्टिक स्केल रिपेल्स अदर चार्ज स्केल. प्लास्टिक स्केल जो चार्ज है दूसरी प्लास्टिक स्केल से दूर जाती है, रिपेल करती है. हाउएवर अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्केल. लेकिन चार्ज बैलून जो है वो अट्रैक्ट करता है चार्ज प्लास्टिक स्केल को. दिस इंडिकेट्स दैट द चार्जेस ऑन द बलून एंड द प्लास्टिक स्केल आर ऑफ डिफरेंट नेचर. ये इंडिकेट करता है कि चार्जेस जो बैलून में हैं और जो चार्जेस स्केल में हैं वो दोनों ही डिफरेंट हैं नेचर में, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं.
From the above activity, it can be concluded that different objects acquire different charges on rubbing. ऊपर दी गई एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट चार्जेस एक्वायर करते हैं. वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं और अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं. इन द यूनिवर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यूनिवर्स में टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. द एटम विच इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हैज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल इलेक्ट्रॉन्स. एटम में जो फंडामेंटल यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक मैटर का है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एटम्स आर न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल. एटम्स न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है. व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तब वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. टेस्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज. टेस्ट करेंगे किस टाइप का चार्ज है. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ चार्जेस कैन बी यूज टू नो द नेचर ऑफ अननोन चार्जेस. ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन के चार्जेस की हम इसको यूज़ कर सकते हैं चार्जेस का नेचर जानने के लिए अननोन चार्जेस को जानने के लिए. बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्रास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद अ सिल्क इज फिक्स्ड एज पॉजिटिव एंड दैट एक्वायर्ड बाय एन एबोनेट रॉड व्हेन रब्ड विद वूल इज फिक्स्ड एज नेगेटिव. जब चार्ज ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से तो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और जब भी वह इबोनेट और को रब किया जाता है वूल से तो उसका फिक्स होता है कि वह नेगेटिव चार्ज है. द नेचर ऑफ चार्ज जनरेटेड ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द चार्ज ग्लास रॉड एंड इबोनेट रॉड इन द फॉलोइंग वेज. नेचर है जो चार्ज का वो हम पता लगा सकते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लाके क्लोजर लाके, जैसे चार्ज रॉड और इबोनॉइड रॉड है दोनों को निम्नलिखित तरीकों से. नंबर वन इफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट देन द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज. अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को और अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को तो समझो कि जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है. नंबर टू इफ़ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट देन द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज. अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को और अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को तो जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. नंबर थ्री इफ़ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाई बोथ पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स देन द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल और अनचार्ज. अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है दोनों चार्ज बॉडीज को पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और अनचार्ज है. देयरफॉर अट्रैक्शन अलोन इज नॉट अ श्योर टेस्ट फॉर इंडिकेटिंग चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट. रिपल्शन इज ऑल्सो अ श्योर टेस्ट फॉर इंडिकेटिंग चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसीलिए कहा गया है कि अट्रैक्शन अकेला ही श्योर टेस्ट नहीं है चार्ज को इंडिकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज है. रिपल्शन भी श्योर टेस्ट है इंडिकेट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज है. मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट. क्या मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए. एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज इन द फॉलोइंग थ्री वेज. तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उनको चार्ज किया जा सकता है
थ्री वेज में, नंबर वन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर टू चार्जिंग बाय कंडक्शन, नंबर थ्री चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन और रबिंग। हर एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन या रबिंग के द्वारा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, वन ऑफ देम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज, व्हाइल द अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, बल्कि दूसरा गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। द मैथड इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाई रबिंग अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। वो मैथड जिसमें ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है रबिंग के द्वारा, दूसरे ऑब्जेक्ट के रबिंग के द्वारा, तो उसको इस मैथड को बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। When we rub rod with silk, the electrons from the glass rod are transferred into the silk, making the glass rod positively charged and the silk negatively charged. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लास रॉड के, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क में और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज फ्लोज फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन दिस प्रोसेस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स एक्वायर सम चार्जेस। जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं तो चार्ज ऑब्जेक्ट से फ्लो होता है चार्ज दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स पर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। द मैथड ऑफ चार्जिंग बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। वो मैथड जिसमें चार्जिंग की जाती है एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में ला के चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। During conduction, the charge acquired by the uncharged object is same as that on the charged object. ये conduction के द्वारा जो charge होता है वो same रहता है जो charged body से uncharged body पर आता है, उसका जो charge होता है वो same रहता है। When a negatively charged rubber rod is brought in contact with uncharged metal sphere, negative charges get transformed from rubber rod to the metal sphere. Figure 14.1. जब negatively charged rubber rod लाई जाती है पास में uncharged metal sphere के पास में, तो negative charge जो है वो transfer हो जाते हैं rubber rod पर और metal sphere पे। तो ये है फिगर 14.1 में दिया गया है कि ये जो स्फीयर में चार्जेस हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जब वो नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड उसके कांटेक्ट में आता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट इट एक्वायर्स सेम चार्ज। जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट पास में लाया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट के तो वह सेम चार्ज एक्वायर करता है। द मैथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाई ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। वो मैथड जिसमें चार्जिंग की जाती है अनचार्ज ऑब्जेक्ट की सिर्फ पास लाने से ऑब्जेक्ट के, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ड्यूरिंग इंडक्शन द चार्ज एक्वायर्ड बाई अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अपोजिट एज that on the charged object। induction के दौरान जो charging होती है uncharged object की वो opposite होती है charged object से। when a positively charged rod is brought closer to an uncharged or neutral metal sphere, figure 14.2a, charge separation takes place in the metal sphere। जो positively charged rod पास में लाया जाता है अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर के, जैसे फिगर 14.a में आप देख सकते हो, तो जो चार्ज सेपरेशन हो जाता है वो
मेटल स्फीयर में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. द नेगेटिव चार्ज मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज रॉड व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज गेट्स रिपल्स एंड मूव्स टू द अदर एंड ऑफ द मेटल स्फीयर एज सीन इन फिगर 14.2b. नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ मूव करते हैं, और जबकि पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल होते हैं और दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं मेटल स्फीयर में, जैसे आप फिगर 14.2b में देख सकते हो. व्हेन अ मेटल स्फीयर इज ग्राउंडेड और अर्थन एज इट इज पॉजिटिव एंड, जब मेटल स्फीयर ग्राउंडेड जमीन में गाड़ा जाता है तो उसका तो उसके पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव चार्ज मूव्स इनटू द ग्राउंड एंड ओनली द नेगेटिव चार्ज रिमेन्स इन द मेटल स्फीयर एज सीन इन द फिगर 14.2c. पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में चले जाते हैं और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं मेटल स्फीयर में, जैसे आप फिगर 14.2c में देख सकते हो. व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज रिमूव्ड the negative charges get distributed over the entire metal sphere as seen in figure 14.2d and the metal sphere acquires permanent negative charges. जब पॉजिटिव चार्ज रॉड रिमूव कर दिया जाता है तो नेगेटिव चार्जेस पूरे एंटायर मेटल स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 14.2d में, और मेटल स्फीयर जो है परमानेंट नेगेटिव चार्जेस एक्वायर कर लेते हैं.